आज के बच्चे उनको वेस्टर्न म्यूजिक फ्यूजन म्यूजिक इसमें ज्यादा रुचि मतलब ध्यान रहता है. पर यहाँ मेरे साथ कनिष्क है जिन्होंने 16 साल की उम्र में एक बहुत ही प्यारा ओम एल्बम निकाला था जिसमें चैंटिंग थे जप थे जो आई रिमेम्बर. हाँ मैं 16 साल का था और ये एक्चुअली प्रोजेक्ट आई थिंक एक हफ्ते में ही हो गया था. दिस वाज आफ्टर डैड व्हेन ही पास्ड अवे. मॉम वांटेड टू डू समथिंग रियली प्योर और बहुत ही कुछ अच्छा काम करना था जिससे एक एक अच्छी एल्बम भी आए लोगों के लिए और हम भी खुद अच्छा लगे. उन्होंने सोचा कि एक एल्बम करते हैं ओम पूरी मेडिटेशन एक घंटे की. मैं थोड़ा सरप्राइज था मतलब एक घंटा बहुत ही बड़ी एल्बम है. यहाँ पे एक एक चार चार पाँच मिनट के गाने हफ्ते महीने लग जाते हैं, आप एक घंटे की बात कर रहे हो. बट सरप्राइजिंगली बहुत ही जल्दी हो गया था वो. अच्छी चीजें जल्दी होती हैं उनमें वक्त नहीं लगता है. पूरा एक घंटा उसको गाया. ये नहीं कि कट चॉप रिकॉर्ड किया था. फ्लूट प्लेयर आए थे, उन्होंने पूरा एक घंटा बजाया था. सो बट बाद में हम लोगों ने इसको आनंदोत्सव में रिलीज किया. हां यस डैडी के फर्स्ट आनंदोत्सव में रिलीज किया था. सीडीज तो ऐसे बिक गई थी. अच्छी चीज़ें. और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही कि आफ्टर उनकी डेथ के बाद मैं घंटों मेडिटेशन में बैठी रहती थी. मुझे नहीं पता लगता था कि मैं कितने घंटों कुछ टाइम का कुछ वो नहीं रहता था. तो और उससे बहुत सुकून मिलता था जब आप काफ़ी डीपली अंदर अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो. तो अचानक एक दिन आइडिया आया, मैंने कहा ऐसा कुछ करते हैं. एंड विद इन अ वीक एल्बम कंप्लीट और हमने कंपनी में बात किया, बोले हाँ वी आर रिलीजिंग. तो विद इन अ मंथ सब कुछ. और फिर जब कंपनी में दिया तो बोले, उन्होंने बताया कि ये ओम एल्बम स्पेशली उन्होंने मेडिकल रिसर्च के लिए भेजा था. तो वहाँ से मुझे फीडबैक मिला कि वो सुनने के बाद लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ, लोगों जिनको नींद नहीं आती थी उनको प्रॉपर नींद आने लगी, और जिनको ज़्यादा आती थी उनकी कंट्रोल हो गई, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई. मैंने कहा अच्छा चलो मैं डॉक्टर भी बन गई. तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ म्यूजिक. पॉजिटिव एनर्जी. और मैंने कहा ना अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को बनाएंगे उसमें आपने सारी अपनी पॉजिटिव थॉट्स ऐड कर दी तो वो कितने लोगों तक पहुंच रही है फिर. रियली रियली दैट इज बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन से. सो कनिष्क कभी आप अपने मम्मी के सबसे बड़े सपोर्ट हो, आप और आपके भाई कविश. मम्मी कभी वीक हो जाती है आप उन्हें कैसे संभालते हो? मैं तो घर में एक्चुअली नौटंकियां ही करते रहता हूँ सबको. मतलब मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं हंसाता रहता हूँ, बट हाँ घर में बस. हाँ, ये हमारा मिमिक्री आर्टिस्ट है. पर पता है कनिष्क बहुत एंटरटेनिंग. जो इंसान सबसे ज्यादा हंसाता है उसके अंदर जो छुपी हुई दर्द रहता है वो एक्सप्रेस करने में वो अपने आप को वो हंसी के पीछे वो छुपा लेता है. हाँ वो तो है. बट जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है मैं खुद अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ. आई सिट अलोन और मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ गलत हो गया. एंड आई लोग शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं. बट आप थोड़ा सोचो अपने पास बैठो कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस चीज़ में गलत हूं, क्या पॉसिबली इसका आंसर हो सकता है. तो आ जाता है अपने आप बैठ के. बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गया ये. अच्छी बात है ऐसे माहौल में जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं. हाँ एक्चुअली मतलब आफ्टर मिस्टर सेयर्स डेथ ये दोनों उम्र के हिसाब से नहीं लेकिन मेंटली इतनी जल्दी मैच्योर हो गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना. अदरवाइज तो ये होता था कि हम दोनों ही भागते रहते थे. मैं और मेरा भाई हम दोनों इतने डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे. मतलब एक्चुअली छोटे भी थे उस वक्त बट मेंटली ऑल्सो वी वर लाइक हाँ. मैं कितना ज़्यादा सोचता था कि मैं 20 साल का हो जाऊँगा या 21 का हो जाऊँगा, डैड कुछ ना कुछ तो कर देंगे अगर मैं फेल होता भी हूँ. बट नाउ एवरीथिंग इज लाइक नो यू हैव टू डू एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हें ही करना है. मैं एक्चुअली कई बार डर जाता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया अकेले, बट फिर वो वापस आ जाता है कि हाँ यू विल डू इट, डोंट वरी. कविता सेठ जी की जिंदगी की कुछ और पन्ने पलटेंगे कुछ ही देर में विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम.